चलिए, कहता है सुभा लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड सुषमा लिमिटेड विद इफेक्ट 1 अप्रैल, यानी सुभा लिमिटेड ने एब्जॉर्ब कर लिया किसको, सुषमा। अब यहां पे भी कह रहा है सुभा लिमिटेड विल इशू, तो यहां से भी पता चल गया ये अगर इशू कर रही है तो ये खरीदार। तो यहां पे पहले सबसे पहले डिसाइड करो कि भैया ये वाली कंपनी कौन सी है, और ये खरीदार और बिकने वाला कंपनी। इसके बड़े सारे एसेट्स हैं, इसके बड़े सारे लाइबिलिटी, डिबेंचर, एवेंचर, बड़ी सारी चीजें दे रखी है। एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिए। कहता है सुभा लिमिटेड ने डिसाइड किया कि भैया 8 इक्विटी शेयर दे देंगे, 5 इक्विटी शेयर सुषमा लिमिटेड। बोलता है सुषमा लिमिटेड तुम्हारी कंपनी के जितने भी शेयर है ना, 5 के बदले मेरे 8 शेयर ले जाओ। आगे कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी सुषमा लिमिटेड के नए इशू इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तुम जितने तुम्हारे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है उतने ले जाओ। तो अब आप समझो परचेज कंसिडरेशन यहां कौन सा मेथड लग रहा है, नेट पेमेंट मेथड, पेमेंट के हिसाब से हो रहा है। मैंने बोला तेरे को इक्विटी दे देंगे, तेरे को प्रेफरेंस दे देंगे, बात खत्म, निकाल ले भाई तेरा क्या परचेज। आगे कहता है कि डिबेंचर होल्डर को हमने डिसाइड किया कि सेम नंबर देंगे, तो भाई डिबेंचर होल्डर को दे रहे तो ये पीसी का पार्ट ही नहीं है। कहता है हम तुम्हारे सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर कर लेंगे बुक वैल्यू पे, एक्सेप्ट फिक्स एसेट्स 10% ज्यादा लेंगे और स्टॉक को इस वैल्यू पे लेंगे। सारे चीजें बुक वैल्यू पे ले रहे हैं, बाकी ये छोड़ के और जो दे रखा है मार्केट वैल्यू, इस वैल्यू पे लिया जाएगा। बड़ी आसान सी बात है, जब हम उसके सारे एसेट्स को एक्वायर करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे एक्वायर किया जाएगा, मतलब जो एंट्री करेंगे। दूसरी एंट्री थी ना आपकी, जब दूसरी एंट्री करूंगा तो मैं स्टॉक अकाउंट डेबिट लिखूंगा तो 1,44,000 लिखूंगा, ना कि मैं 1,60,000 लिखूंगा, ठीक है ना। आगे कहता है एक्सपोर्ट रिजर्व टू बी कीप 3 ईयर, कह दिया एक्सपोर्ट रिजर्व 3 साल के लिए मेंटेन करना है, तो ये जिम्मेदारी किसकी बन जाएगी, बायर की या सेलर की। सेलर तो रहा ही नहीं ना, वो खाली स्पोर्ट रिजर्व थोड़ी मेंटेन करता रहेगा, बिक गया कंपनी है ही नहीं, बोलेगा मेरे पास एक्सपोर्ट रिजर्व है तो नहीं, ये जिम्मेदारी बनती है बायर की। जर्नल एंट्री करो, बैलेंस शीट बनाओ, सब कुछ करो इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पीसी निकालेंगे, फिर वही 2-3 छोटे मोटे से जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बना लेंगे और बैलेंस शीट को मर्ज करना सीख लेंगे हम, ठीक है। चलिए आइए, ये सवाल आपके एग्जाम में 15 नंबर का आ सकता है। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन सर, कैलकुलेशन करिए परचेज कंसिडरेशन का। सबसे पहले डिसाइड हो गया कि इक्विटी शेयर कैपिटल देंगे, और मैंने बोला तुम्हारी कंपनी के कितने शेयर है ले आओ, उसने बोला भैया शेयर्स कैपिटल कहाँ गया भाई, ये है 20 20 लाख है, 2 लाख है, 2 लाख रुपए के शेयर हैं हमारे, और 100 के हिसाब से तो देखा जाए तो 2,000 शेयर हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं, 5 शेयर के बदले मैं तुम्हें कितने दे दूंगा, 8, और भाई तुम्हें कौन सी कंपनी के शेयर मिलेंगे, मेरी कंपनी के शेयर मिलेंगे, और मेरी कंपनी का शेयर का वैल्यू भी 100 रुपये है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हो गए, 3 लाख। ये तो तुम्हें शेयर मिल गया, देखो 2 लाख का था, मैं 3-20 का तो शेयर ही दे रहा हूं, और भाई प्रेफरेंस शेयर जो भी है उस प्रेफरेंस शेयर को 15 कितने सेम प्रेफरेंस शेयर दोनों कंपनी में ही है, तो वही प्रेफरेंस शेयर तुम्हें दे देंगे, यानी 2 लाख का पहले था और 2 लाख का और ले लो प्रेफरेंस शेयर, कोई बात नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेम नंबर ऑफ, तो 5,20,000 दैट इज परचेज कंसिडरेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाते हैं, एक वैसे पीछे जर्नल एंट्री करना भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहां कर लेंगे। अब करते हैं जर्नल एंट्री, भाई बुला लो, किसको बुला लो पैसे देने के लिए, लिक्विडेटर को, बिजनेस परचेज।
अकाउंट, डेबिट टू लिक्विडेटर। भैया लिक्विडेटर कितने पैसे मिलेंगे? 5-20। सर बीइंग क्या होगा? लिक्विडेटर अमाउंट ड्यू। मैं बीइंग में लिख देता हूं। हालांकि इस लेवल पे बीइंग आप एक क्वेश्चंस करें ना तो प्रॉपर बीइंग करके करें, उसके बाद एग्जाम में तो लिख ही सकते हो बीइंग। अब क्या करें, हम सारे एसेट्स खरीद लें इसके? ले लिया जाए सारे एसेट्स? चलो ले लेते हैं भाई, तुम्हारे सारे एसेट्स लेने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कुछ एसेट्स के ऊपर इन्होंने कुछ फरमाइश करी है, और कौन से एसेट्स पे कहता है कि फॉलोइंग फिक्स एसेट्स, एक इसके ऊपर इसकी। अच्छा फिक्स एसेट्स का मतलब सब, ये भी, इन दोनों को हम लेंगे लेकिन मोर देन द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू से ज्यादा पे। लेकिन किस कंपनी की खरीदने की बात कर रहे हैं साहब? इस कंपनी की? कहीं इस कंपनी की मत ले लेना, अपनी कंपनी की खुद मत खरीद लेना कहीं। आप किस कंपनी की खरीदोगे? सेलर कंपनी की खरीदोगे। तो सेलर कंपनी तुम्हारे लेने जा रहे हैं फिक्स एसेट, जिसके अंदर क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट। और क्या है भाई तुम्हारे पास? प्लांट एंड मशीनरी। और क्या है भाई? यही दोनों 10% अबव द बुक वैल्यू। तो 1,40 का 10% 14,000, तो 1,54,000। और 2,60 का 26,000 हो जाएगा, तो 2,86,000। समझ में आया ये वैल्यू? 10% एड ऑन कर दिया। कहाँ कह रहा है सर ये बात? ये हटा देते हैं, एक बार साफ कर देते हैं आपके लिए। ये देखो ये कह रहा है, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी सुषमा टेकन ओवर, सब ले लो एक्सेप्ट फिक्स एसेट्स को 10% ऊपर लो, मोर देन द बुक वैल्यू। स्टॉक को 1,44 में ले लो। ओके भाई साहब, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक का वैल्यू दे रखा था, 1,44 में लो। और यहां से काटते भी जाते हैं ना, पता चले हमें, यहां से कट करते भी जाएंगे। ये भाई साहब कट, ये भाई साहब कट, स्टॉक कट। और क्या है? डेटर 1,25। एक लाख 25,000 भाई, डेटर कहाँ है? ये भी कट, इसका इधर काटना है, इधर से नहीं काटना ना, इसका भी तो है ही। अब इसके बाद क्या है? बीआर भाई, बीआर की भी वैल्यूएशन 81,000। और क्या है भाई? बीआर भी कट, बैंक का बैलेंस, तो बैंक का थोड़ी वैल्यूएशन लगा सकता है ये। कितने बैंक है? और टू। सारी लाइबिलिटी ले लेंगे, ठीक है भाई साहब। अब लाइबिलिटी को पहले चेक तो करो, ये तो लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, ये भी लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब ये आ गया, ये लाइबिलिटी का पार्ट है। तो भाई लाइबिलिटी इसका डिबेंचर आ गया, 10% डिबेंचर। कितने? अब करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन, सन्ड्री क्रेडिटर, ये आ गया सन्ड्री क्रेडिटर। कितने हैं? और लास्ट में क्या लिखेंगे? परचेज कंसीडरेशन जो है 5,00,000। अब डिफरेंस निकालेंगे, निकालिए डिफरेंस सबको टोटल करके, डेबिट या क्रेडिट। बच्चा कह रहा है सर 5, 8, 10 कैसे हुआ? 2,000 आया नंबर, अभी बता देंगे। चलो रेगुलर चल रही है सुबह भी और शाम को भी। गुडविल 40 पक्का? बच्चे कह रहे हैं सर लॉक कर दिया जाए, गुडविल 40 आए। गुडविल अकाउंट डेबिट,
अरे मिटा दिया जाए, साफ सुथरा क्वेश्चन दिखता रहेगा। आगे कहता है एक्सपोर्ट रिजर्व को मेंटेन करो, तो एक्सपोर्ट रिजर्व को मेंटेन करना है, और एक कहता है डिबेंचर को डिस्चार्ज कर दो और बदले में 15% सेम डिबेंचर दो। कहता है डिबेंचर होल्डर ऑफ सुषमा लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय द सुषमा लिमिटेड, सुषमा लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय द सुषमा लिमिटेड बाय इशू इक्वल नंबर ऑफ डिबेंचर। ये गलती हो गया, दोनों जगह सुषमा कैसे आ सकती है, एक है सुभा लिमिटेड, मैं तो गलत नहीं पढ़ रहा, हाँ ये सुभा होगी। ठीक है, सुभा लिमिटेड ने डिस्चार्ज किया, बोला भैया जितने डिबेंचर थे उतने ही नंबर मिलेंगे, बस रेट बढ़ा रहे हैं। तो पहले भाई तेरे कितने डिबेंचर थे, 1 20 के, 100 रुपए वाले थे, तो नंबर बता दो। एक बच्चा पूछ रहा था कैसे आया, तो देखो मैंने नंबर पहले निकाला था 2000 ऐसे करके ही, 100 तो कितने आ गए, यानी 1200 डिबेंचर देंगे। तो पुराने डिबेंचर को हम क्या करेंगे, इसके डिबेंचर को डिस्चार्ज करेंगे, तो अब तो ये मेरी लाइबिलिटी है ना इस एंट्री के मुताबिक, अब मेरी ये लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, डिबेंचर को डेबिट कर देंगे और नए वाले डिबेंचर अपनी लाइबिलिटी एक और बना लेंगे। तो एक और एंट्री जो करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे, 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट दे रहे थे, 15% डिबेंचर 1,20,000, बात खत्म। ये एंट्री मैं पीछे करना भूल गया था, डिबेंचर डिस्चार्ज कर, वो मैंने यहां कर दिया, और ये बहुत सिंपल सी एंट्री है। क्या हुआ ये, देखो सबसे पहले समझो, अभी इस एंट्री तक मेरे ऊपर कर्जा है 10% डिबेंचर, अब ये कर्जा स्विच करना चाहता हूं, इस खत्म करके कोई और नाम रखना चाहता हूं, तो खत्म करने के लिए इसको डेबिट करोगे, और जो नाम रखना चाहते हो एक लाइबिलिटी और क्रिएट करोगे क्रेडिट से। तो यहां पे क्या हुआ सर, 10% डिबेंचर खत्म हो गया पुराना, अब नया डिबेंचर आ गया 1,20,000 का, तो बींग लिख दो, क्या लिखोगे सर, बींग डिबेंचर डिस्चार्ज बाय शुभा लिमिटेड, इस एंट्री में किसी को परेशानी, एक एक्सपोर्ट रिजर्व वाली करनी है ना, याद है सर क्या था, एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट रिजर्व। अब सर दोनों जगह है तो हम तो सेलर वाले का लेंगे, कहां गया एक्सपोर्ट रिजर्व 20,000, बताइए समझ में आया, यानी उस कंपनी के सारे एसेट्स ले लिए, लाइबिलिटी ले लिए, सब कुछ हो गया काम, यानी बुक्स ऑफ बायर खत्म। जो मैंने बताया था लिक्विडेशन एक्सपेंस वाला, बताया ही नहीं सवाल में लिक्विडेशन एक्सपेंस, तो मान लेंगे होगा ही नहीं भाई। अब बनाएंगे बैलेंस शीट, अब जो बैलेंस शीट बनेगा ना, दोनों कंपनी के एसेट्स मिल जाएंगे, दोनों कंपनी के लाइबिलिटी मिल जाएंगे, रिजर्व नहीं मिलने वाले, दोनों कंपनी रिजर्व नहीं मिलेगा। तो अब मेन काम है इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हैं, तो बड़े सिंपल तरीके से बैलेंस शीट बनाइए, और मैंने रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट भेजा था, जिसने याद नहीं करा उसके ऊपर मुसीबत, और जिसने उसको याद किया, देखना चाहिए था आपको, तो कोई बात नहीं। तो देखिए बैलेंस शीट में कितना समय लगता है, जो भी 1 1.5 घंटा लग जाए लग जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ने का फायदा नहीं है ना, ये रहा यहां पे नोट अमाउंट, कौन बच्चा बताएगा ये बैलेंस शीट किसका बन रहा है, बायर का या सेलर का, बायर का बनेगा बैलेंस शीट, और बायर के बैलेंस शीट में सेलर वाले एसेट्स और लाइबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर देंगे,
सेलर की बैलेंस शीट बनेगा नहीं, सेलर का बैलेंस शीट को खत्म करेंगे वो जब सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाएंगे। अभी सिर्फ हम आज बायर के बुक्स ऑफ अकाउंट सीख रहे हैं, कल सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट भी सीखेंगे। चलिए सर, पहला पार्ट और बैलेंस शीट पता है कौन से बनेगा? न्यू बैलेंस शीट, ठीक है, नए वाले शेड्यूल थ्री वाला बनाना। अब मैं पहले एक बार सवाल को ना देख लूं कि भाई साहब बैलेंस शीट में क्या क्या बनाने लायक है। शेयर कैपिटल में ये सब आ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में ये आ जाएगा, डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में बस एक सन्ड्री क्रेडिटर बनेगा, यानी छोटा सा ही बनने वाला है। तो मेरे को आइडिया लग गया, तो मैं फटाफट देखो कैसे बनाता हूँ। बड़े छोटा सा बैलेंस शीट बनने वाला है। नंबर वन शेयर होल्डर फंड, ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस शॉर्ट फॉर्म में। नंबर टू नॉन करंट लाइबिलिटी, अंडरलाइन कर देते हैं। चलिए, अरे अरे नॉन करंट लाइबिलिटी आ जाइए। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा? ए पार्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरिंग, और कुछ है नहीं इसमें। आ जाते हैं नंबर थ्री, करंट लाइबिलिटी। इसमें भी क्या है हमारा? सिर्फ ए पार्ट आएगा। करंट लाइबिलिटी में देखा जाए तो भैया क्या है? एच सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर किसका पार्ट होता है? ट्रेड, ट्रेड पेबल का। चलिए टोटल, सर इसके लिए नोट नंबर वन जाएगा, इसके लिए नोट नंबर टू जाएगा, इसके लिए नोट नंबर थ्री जाएगा, इसके लिए नोट नंबर चार जाएगा। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जो बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि अभी पढ़ लेंगे, अभी टाइम है जून जुलाई में, उनको बाद में बहुत दिक्कत होगी। और वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ वही समझ सकते हैं उसको। चलिए फर्स्ट पार्ट हमारा आएगा फिक्स एसेट्स, यानी नॉन करंट एसेट्स आएगा। इसके अंदर आ जाता है भाई साहब फिक्स एसेट्स, इसके अंदर आ जाता है पीपीई, और क्या निकला था? गुडविल भी निकला था ना। नंबर दो आ जाएगा इंटेंजिबल एसेट्स। और एक आ जाएगा हमारा नॉन करेंट, और करेंट एसेट्स में क्या क्या? एक बार एसेट्स को भी देख लें सर। प्लांट एंड मशीनरी चला जाएगा पीपी में, लैंड एंड बिल्डिंग। करेंट एसेट्स में स्टॉक आपका इन्वेंट्री बन जाएगा, डेटर ट्रेड रिसीवेबल बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थर्ड पार्ट करंट इन्वेस्टमेंट था कहाँ? हाँ तो नॉन करंट एसेट्स लिखा है, दो बार लिखा है। अच्छा अदर नॉन करेंट एसेट्स होगा, अदर आ जाएगा। एक्सपोर्ट रिजर्व डालना है ना मेरे को यहाँ पे, इसको इधर कर देते हैं, मिटाई देते हैं, अदर आ जाएगा।
करंट एसेट्स में पहला क्या आएगा? इन्वेंट्री। दूसरा क्या आएगा? तीसरा क्या आएगा? ठीक है, सबको ना एक कलर कर देते हैं, थोड़ा फॉर्मेटिंग खराब सी लग रही है मेरे को, तो इसको व्हाइट, इस सबको भी व्हाइट, और सब जगह एक जैसा रहना चाहिए ना, इसको भी व्हाइट, इसको भी व्हाइट, इसको व्हाइट, सर अगर इन्वेस्टमेंट गिवन हो तो एक इन्वेस्टमेंट का ही बन जाएगा। डिस्चार्ज की एंट्री दिखा दीजिए, डिस्चार्ज पीसी डिस्चार्ज, अभी आएंगे पीछे सारा दिखाएंगे क्योंकि एंट्री तो वहीं से मर्ज होगा। नोट्स की बात करें, चार के बाद इसको नंबर पांच मिल जाएगा, छठे में कुछ है नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे इसको सात, नहीं छः, और इसको सात, और इसको आठ, आठ नोट बनाने हैं। यहाँ देखो बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं, नोट नंबर वन। भाई पानी मत पियो, पानी बाद में पी लेना, पहले इधर देख लो, नहीं तो समझ नहीं आए तो वैसे पानी पीते रह जाओगे बस। प्यास का क्या है, वो तो हमेशा लगता है, पर क्लास नहीं होगी ये दोबारा। चलिए अब हमें इक्विटी शेयर ना करना कैसे है कि सामने वाले का इक्विटी शेयर और अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर दोनों को जोड़ने वाले, तो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर नोट नंबर वन लिख रहा हूँ। मैं ना ये रफली बना रहा हूँ, इसका एक्चुअल फॉर्मेटिंग ना मैं 10 ईयर में भी डाल चुका हूँ मैं, और एक्चुअल फॉर्मेटिंग जो हमने फॉर्मेट में किया था वो करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है। मैं सिर्फ आपको रफली सिखा रहा हूँ कि कैसे बैलेंस शीट बनने वाला है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ले लूंगा पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ बी, बी का मतलब बायर कंपनी का, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि हम दे रहे हैं सेलर कंपनी को, ठीक है? बी और एस ऐसे डिनोट कर दूंगा। तो भाई साहब बायर कंपनी का इक्विटी शेयर कितने का है? बायर कंपनी का इक्विटी शेयर कितने का है? 5 लाख रुपए का है। और सेलर कंपनी का इक्विटी शेयर कितना है, कितना है, कितना है? 3 20 का है, ये जोड़ेंगे तो आ जाइए 5 लाख और 3 लाख, बस और तो है नहीं इक्विटी, 8 20। अब प्रेफरेंस शेयर पे आ जाते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये बायर कंपनी का और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सेलर कंपनी का, तो दोनों का ही 2 2 लाख था सर, 4 लाख, तो 12 लाख। ये नोट नंबर वन हो गया, एक साथ डाल देंगे नोट, नोट नंबर वन में लिख ही देते हैं, आपके सामने ही है ना, समझे? अगले पॉइंट पे आ जाते हैं सर। सर डन, काट दो अब इसको, किसी काम का नहीं है, डन हो गया ये। अब रिजर्व, भैया उसका रिजर्व तो ले नहीं सकते हम, अपना अपना रिजर्व तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके रिजर्व में सिर्फ एक रिजर्व उठाना है, एक्सपोर्ट रिजर्व, ठीक है? तो अपने रिजर्व को ले लेते हैं, रिवेल्यूएशन रिजर्व, एक्सपोर्ट रिजर्व, जनरल रिजर्व, बस तीन है, रिवेल्यूएशन रिजर्व नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस भी है। चलिए आ जाइए नोट नंबर टू, यहां बनाते हैं नोट नंबर टू। नोट नंबर टू ये है हमारा शेयर कैपिटल, और नोट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए सर, क्या क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस था, और क्या था बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस, अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ये रिवेल्यूशन रिजर्व था,
अरे कहाँ पहुंच गए हम, बहुत पीछे आ गए। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर था रिवेल्युएशन रिजर्व, और एक क्या था, कितने का था रिवेल्युएशन रिजर्व? 20, और एक्सपोर्ट प्रॉफिट 40। एक्सपोर्ट क्या है? 40 तो अपने, किसके? अपने और सेलर के भी, ये पूरे ही होंगे ना। और इसका भी जनरल रिजर्व था, ये वाला नहीं लेना, ध्यान रखना। एक्सपोर्ट रिजर्व ले लिया, जनरल रिजर्व अपनी वाले लेने, 2 लाख रुपए का जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर कैपिटल रिजर्व निकलता ना, वो सेकंड वाली एंट्री याद होगी, सेकंड वाली एंट्री से, तो वो भी यहां आ जाता। ठीक है बताइए कितने हो गए सर? 20,000, 20, 40, 60, 20, 80, 2 लाख। तो नोट नंबर 2 में लिख ही देते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर ही था, यहां लिख देते हैं नोट नंबर 3। लॉन्ग टर्म बोरिंग नो, इसके अंदर सिर्फ एक था, कितने? 15% डिबेंचर। जर्नल एंट्री में देखो सर, इस कंपनी में डिबेंचर है ही नहीं, दूसरी कंपनी के डिबेंचर 1,20,000 रुपए के, 15% बन गए डिबेंचर, तो 1,20,000। 1,20,000 ट्रेड पेबल। नोट नंबर 3 के बाद नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल एक ही का है सर? ट्रेड पेबल दोनों में, 1,60 और 20 दोनों लेना पड़ेगा हमें। तो क्रेडिटर ये बायर का और ये सेलर का, कितने थे? एक और 2 लाख है जी, हाँ 2 लाख। 3 लाख, चलिए 3,60,000। अब इसका टोटल, और बस आप ये मनोकामना करिए कि दोनों का टोटल मैच हो। चलिए सर नोट नंबर 5, नोट नंबर 5 किसका है? पीपीई, पीपीई इधर करते हैं नोट नंबर 5। पीपीई क्या था हमारा नोट नंबर 5 में? प्लांट एंड मशीनरी, और ये बायर का भी है प्लांट एंड मशीनरी, सेलर का भी है लैंड एंड बिल्डिंग, ये बायर का भी था और लैंड एंड बिल्डिंग सेलर का भी है। अब देखिए साहब, अपनी वाली वैल्यू तो अपनी ही रखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में 2,20 और 4,20, अपनी वाली में तो अपने ही रखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग में और यहां 4,20। अभी देखते जाइए, देखते अब नहीं, गलत आ गया, ये बायर में जाएगा और ये भी बायर में जाएगा, ठीक है ना? बायर बायर का तो अपना ले लिया हमने, जिसको नहीं दिख रहा मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है अब दिख जाएगा। आगे आ जाते हैं। अब भाई सेलर का लैंड एंड बिल्डिंग तो ये लिया ही नहीं मैंने, सेलर का लैंड एंड बिल्डिंग 1,54 और 2,86 है, 1,54 2,86, तो 2,86 ये हो गया। मैं अलग पेन भी यूज कर लेता हूँ। अरे सर 2,86 ये हो गया और 1,54 ये हो गया। अब जाके कहीं बना इंटेंजिबल एसेट्स, टोटल क्या होता है करिए, टोटल क्या होता है? 2,20,000, 2,86, 2,154, 10,80,000। चलिए साहब 10,80,000,
में आई बात आपको? ठीक है, अब आ जाते हैं क्या, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स तो भाई इसके अंदर तो था ही नहीं, बस जर्नल एंट्री के अंदर एक निकल गया हमारा 40,000, तो डायरेक्ट लिख दो गुडविल, डायरेक्ट लिख दो गुडविल, और ये लिख दो 40,000। अब आ जाते हैं इन्वेंट्री, नोट नंबर, नोट नंबर 6, इन्वेंट्रीज। सर इन्वेंट्री में क्या क्या है, चलिए देखते हैं भाई। तेरा इन्वेंट्री कितना है, 290, और मेरा इन्वेंट्री तो कुछ और है, 144। 290 बायर का तो है, और इन्वेंट्री सेलर का है, एक जोड़ लीजिए 4,24,000 या 34, 34। चलिए आ जाइए, इन्वेंट्री 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 4,34,000। यहाँ बड़े हैवी हैवी अमाउंट आ रहे हैं, क्या बात है। चलो वहाँ 12 लाख तो अकेला वो भी है। नोट नंबर 7, 7 किसके लिए भाई साहब, ट्रेड रिसीवेबल। तुम्हारे BR 31 और 20, सॉरी डेटर पे ले लेंगे ना, डेटर ले लेते हैं और BR ले लेते हैं, 31, 120 और 31। पहले साहब डेटर, डेटर बायर का, एक साहब डेटर सेलर का, देखेंगे अभी क्या है। BR बायर का 1,00,000, चलिए सेलर वाले का तो भैया रिवेल्यूएशन हो गया, तो जनरल एंट्री के अंदर ये रहा 1,25 और 81, 1,25 और 81, टोटल करिए 4,56,000, 4,56,000। लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नोट नंबर 8। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखिए कहाँ है, बस एक बैंक 20 और 10, ये थोड़ी ना बदला है। तो बैंक का बैलेंस, बायर और बैंक सेलर 20 और 10, अरे कहाँ चले गए 20। चलिए अब वो टाइम आ गया है जब अपने आप को चेक किया जाए, मिसमैच हो गया कितने से, अभी एक्सपोर्ट रिजर्व भी रह गया भाई साहब यहाँ पे अदर करंट में, उसको बढ़ने दीजिए, कितने था, 40 था ना, 20। चलिए अब देख लेते हैं क्या कुछ भूल तो नहीं गई। 12,20,000, 2,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस ठीक है या कम लग रहा है, यही अब क्या करें, 1,20,37,11, 19,80,000। अभी रुक जाइए, ये 20,60, अभी ढूंढ लेते हैं, 80,000 का दिख नहीं रहा। अब 80,000 का क्या था देख लेते हैं फटाफट, कुछ रह तो नहीं गया 80,000, 80,000, 80,000, कोई एसेट्स लेना भूल गए हो, BR 31, ये रहा मिला, चलो मिल गया, मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, एक और बन गया यहाँ, ये सेलर का है, ये बायर, बस यही गलती आप कर दोगे एग्जाम में,
इसको 2 लाख कर देते, अब ये हो जाएगा 20 लाख। मैच, ये बायर का पूरा कार्यक्रम खत्म, अब सेलर का स्टार्ट होगा। इसके बाद बायर का खत्म हो गया, देखो बायर का क्या क्या करा, सोचना ध्यान से। बायर का परचेज कंसिडरेशन निकाल लिया, बायर का जर्नल एंट्री कर दिया, बायर का बैलेंस शीट, बायर तो चला जाएगा, मैंने खरीद लिया भाई। अब लिक्विडेटर का काम स्टार्ट होगा, फ्री में थोड़ी पैसे लेगा वो। अब सेलर का रियलाइजेशन बनाएगा, सेलर का शेयर कैपिटल अकाउंट बनाएगा, सेलर का वो कैश अकाउंट बनाएगा, जैसे कि हम बनाते थे। पार्टनर्स कैपिटल तो बनेगा नहीं, यहाँ कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, शेयर कैपिटल। वहां 3 अकाउंट बनता था, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। यहाँ पे भी बनेगा रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बनेगा, और क्या बन जाएगा, बैंक। उसके साथ साथ वहां पे जो अलग अकाउंट बनते थे यहाँ पे भी बन जाएंगे, और उसके साथ साथ फिर सेलर की भी जर्नल एंट्री कर लेंगे हम। यानी सेलर में 2 काम है, एक उसका लेजर बनाना और एक जर्नल एंट्री। अगर ये सारी चीजें आप सीख लेते हो तो आप समझ जाओ, आपको रफली आइडिया हो गया कि अमलगमेशन कैसे होता है दोनों साइड से, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर मेन क्या है, एडजस्टमेंट सिखाना। पहले ये जो सीख के आप क्या सोच रहे हो, ऐसा सोचेगा चल भाई एडजस्टमेंट खत्म हो गया अब तो छोड़ देते हैं, नहीं। ये एंट्री सिर्फ सिखा रहा है कि एडजस्टमेंट को इनकॉर्पोरेट कैसे किया जाता है, अब इसके सिंपल सिंपल ट्रांजेक्शन को कैसे किया जाता है। इसके बाद मैं सिखाऊंगा इसके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग लैंग्वेज के क्या एडजस्टमेंट, जैसे दोनों प्रॉफिट एक्सचेंज हो जाए, या फिर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाए, या फिर आपका इंटर स्टॉक होल्डिंग हो गया। तो एडवांस लेवल पे ही कराऊंगा, ऐसा नहीं कि कम करेंगे, तो वो सारा करेंगे धीरे धीरे। तो बताइए सर कितने मार्क्स का आएगा, मात्र 15 नंबर या 10 नंबर का आएगा। लेकिन कॉर्पोरेट के पेपर में बच्चा सोचता है कि 5 नंबर आ जाए, मतलब एक एक नंबर करके इकट्ठा करता है कॉर्पोरेट के पेपर में। और मेरे से ज्यादा अपने सीनियर से पूछिए, वो कॉर्पोरेट अकाउंट गिफ्ट में लेके बैठे हैं अपने साथ, और वो छठे सेमेस्टर में आ गए हैं, और छठे सेमेस्टर में सोच रहे हैं कि यार कॉर्पोरेट का पेपर देना है, पास नहीं हुए तो 1 साल पूरा खराब होगा। भाई साहब, जो बच्चे अभी 4 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर जो भी हैं, ध्यान रखिएगा इस पेपर को निकाल लीजिए, नहीं तो आपका पूरा साल बर्बाद कर देगा आगे ले जाके ये। इस पेपर को निकालने का सबसे आसान तरीका है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं। आप सोचोगे ना कि शॉर्टकट में निकल जाए, तो ये शॉर्टकट निकलने नहीं देगा आपको कहीं से कहीं तक, और आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।